नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टुडे में कुंदन कुमार। दर्शकों, अभी हम सोनो थाने परिसर में उपस्थित हूँ। यहाँ पे अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा आज एक शांति समिति की बैठक की गई है, जो कि आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर। हम जानेंगे अंचलाधिकारी महोदय से क्या क्या निर्देश दिया गया है और थाना अध्यक्ष की क्षेत्र में शांति समिति को लेकर और पर्व को लेकर क्या क्या लोगों को निर्देश दिया गया है। देखिए, सोनो में अभी तक का इतिहास रहा है कि दोनों संप्रदाय जो जितने भी फेस्टिवल हुए हैं सभी में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। अभी जो तजिया मुहर्रम हो रहा है 19 के बाद पहली बार हो रही है, तो हम लोगों ने सभी को कहा है कि बिना लाइसेंस का कोई भी तजिया नहीं उठेगा। जो पुराने रूट्स हैं वही रहेंगे, निर्धारित की गई है, और सभी लोग लाइसेंस में कम से कम 20 वॉलंटियर देख का नाम देंगे, और प्रयास रहेगा उसमें 1/4 दूसरे संप्रदाय के लोग रहेंगे, जिससे कि यह एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो एक वातावरण पैदा होगा जिसका मैसेज पूरे जमुई ज़िला में जाएगा। और इसके लिए हमारा सोनो आज से नहीं पूर्व से भी इस बात के लिए जाना जाता है, और शांति समिति में आए हुए सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया गया है, कहा गया है कि जितने भी लाइसेंस होंगे उसमें 1/4 लोग कहीं ना कहीं दूसरे संप्रदाय के लोग होंगे। गश्ती हर समय रहेगा और जब जहाँ ज़रूरत होगा हमारा प्रशासनिक तौर पर उपस्थिति रहेगी, और दोनों संप्रदाय के लोगों को मिलजुल कर मुहर्रम पर मनाने के लिए निर्देशित किया गया है। मुहर्रम ढंग से मनाने के लिए प्रेरित किया गया है, तमाम लोगों को लाइसेंस लेने के लिए कहा गया है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और सामाजिक तत्व अगर किसी प्रकार का विघ्न डालते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।